नीलारविंद सुमिलिंद कलिंद जेन्द्र नीलांबु दाली दाली तंजन पुण्यमंजु नीलाचलधराय श्री मुकुटाय मानम नीलांबरानुजम शरणम ब्रजामः। नमस्कार दर्शक बंधु, आज कलिंग टीवी राशिफल कार्यक्रम को आपण मान स्वागत। आज राशिफल कार्यक्रम आरंभ करने पूर्व प्रथम आम जान ना कौन रही आज दिन पंचांग। आज हूँ अगस्त मास 30 तारीख 2024 मसीहा सिंह 15 दिन भाद्र मास कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि शुक्रवार पुनर्वसु नक्षत्र मिथुन चंद्र। आज अमृत समय बा शुभ बेला प्रातः 5:33 ठू 7:11 पर्यंत और 7:59 ठू 8:40 पर्यंत। आज राहु काल अरिष्ट काल अशुभ काल जी 8:41 ठू 11:47 पर्यंत। आज हूँ बिछा धनु और मीन राशि घात बार घात चंद्र नाही आज दिन पंचांग। एवं आसतु जाना आज दिन में जन्मग्रहण करव संपर्क आज हूँ अगस्त मास 30 तारीख 2024 मसीहा जार मूलांक हूँ 1। आज दिन में जन्मग्रहण कर स्वाभिमानी होतांती आत्मनिर्भरशील होतांती उन्नत चिंताधारा युक्त होतांती खेलकूदा तथा कसरत प्रिय होतांती आत्मक इंद्रिक बल बहुत थाए कहा उपरे निर्भर करि न थांती एवं सदा बेले निज गोड़ निजे ठिया हेपाई चेष्टा करि थांती। एबे आसंतु जानिबा आज दिन में 12 राशि राशिफल केमिति कटिबो सेमानंकर आजर दिन। प्रथम मेष राशि आम देख अश्विनी मेष 1/1 अश्विनी मेष जात व्यक्ति मानक मानसिक चिंताधार परिवर्तन आसिबो दीर्घ दिन स्वप्न साकार हो पारिबो आपन कौन ऑफर मिल पारे दीर्घ दिन पर भाई बंधु कुटुंब सहित सुसंपर्क रक्षा कर बंधु दर्शन होवार जथेष संभावना रही है। जदि केस बास मामला किसी रही है झगड़ा रही है तार समाधान घटी पारे। दीजा मेष जात व्यक्ति मानक आप सोशल मीडिया काम कर प्रिंटिंग मीडिया काम करते आपण एक्स्ट्रा करिकुलर अच्छी नाचवा गाइवा अभिनय करवा इत्यादि देखिए बहुत उन्नति करेंगे मान सम्मान आपणकर वृद्धि हेब अकस्मात धन प्राप्ति हेब अफर किसी मिल पाए कर्म क्षेत्र निजुक्त हो पारती दीर्घ दिन स्वप्न आपणकर साकार पारे। कृतिका मेष जात व्यक्ति मानक जान बाहन क्रय करवा जमी बाड़ी क्रय करवा मनमांचित कार्य सिद्धि होगा बंधु दर्शन होगा और धार्मिक कार्य लिप्त रहा सहित संगठनमूलक काम करी बेस लोक उपकार जनहितकर काम करी प्रशंसित हो पारती। मेष राशि तृतीय चंद्र कल्याणकारक अटे आपण भगवान गजानन को पूजा अर्चना करने सहित ओम गं गणपतये नमः उक्त मंत्रटे को जप करंतु देखिए आज दिन टे कल्याणकारक हेब। आस देखा वृष राशि, वृष राशि प्रथम आम देखा कृतिका वृष 3/2 कृतिका वृष जात व्यक्ति मानकर आज का दिन में मानसिक अस्थिरता रहिबो कौन से कार्य मन लगे ना चित्त विभ्रम घटिबो मानसिक अस्थिरता रहिबो शारीरिक असुस्थता रहिबो मुंडरे विभिन्न प्रकार दुश्चिंता रहिबो विभिन्न प्रकार समस्या बा जंजाल भीतर आपण छंदी हि पारंते। रोहिणी वृष जात व्यक्ति मानकर आपणकर अजथा खर्चांत हो पारे अर्थ को केन्द्र कर कलह लगे छोटकाटिया दुर्घटना घटा भाई बंधु कुटुंब सहित सुसंपर्क न रहा कलह लगे सहित मान मतांतर घटवार संभावना रही है। या सहित जदि कौन सी जगह को जाऊँच एकुटिया जातु ना कि एकुटिया गाड़ी चलातु ना मृगशरा वृष जात व्यक्ति मानक आपण कौन से बिजनेस करते अर्थर अभाव देखा मानसिक टेनसन रहा लोक मैंने आपणकर गोड़ भिड़ी देवा शत्रु मैंने प्रबल होगा निज लोक द्वारा आप प्रतारित होगा यह छड़ा अर्थर अभाव दुख दुर्दिन आणवार जथेष संभावना रही है। विशेष भाव आज दिन टे जंत्रणादायक हो पाए। वृष राशि द्वितीय चंद्र अशुभत्व प्रदान कर भगवान शंकर पूजा अर्चना करने सहित ओम आशुतोषाय नमः उक्त मंत्रटी को जप करंतु देखिए आज दिन टे कल्याणकारक हे। आस देखा मिथुन राशि, मिथुन राशि प्रथम आम देखा मृगशरा मिथुन 5/3 मृगशरा मिथुन जात व्यक्ति मानक मनमांचित कार्य सिद्ध हे दीर्घ दिन स्वप्न साकार हो पार आपण शारीरिक सुस्थता रारिवारिक जीवन सुखमय हे कौन से अब्स्ट्राकिल रहा केस भाष रही माली मकदमा रही से विजय लाभ करेंगे बंधु दर्शन होगा सहित शिक्षा क्षेत्र आप आग को मध्य जाइपारे। आद्रा मिथुन जात व्यक्ति मानक आपण पांडित्य गुण अच्छी आपण कलात्मक विद्या अच्छी आपण किसी लेखालेखी करतीहास कविता इत्यादि आपण रचना करते देखिए बहुत उन्नति करेंगे मान सम्मान वृद्धि हे विदेश जात्रा करते समस्त आदर पात्र हो पारती
अकस्मात धन प्राप्त होगा सहित शुभ समाचार मिल पार पुनर्वस मिथुन जात व्यक्ति मानक नूतन कर्म क्षेत्र में निजुक्त होगा दीर्घ दिन पर आपको कौन से अफर मिलवा पदवी प्राप्त होगा राजनीति करते राजनीति क्षेत्र बहुत उपरक जबार संभावना रही है समस्त सहित सुसंपर्क रक्षा करें धार्मिक कार्य लिप्त रहे परोपकार कार्य समय अतिवाहित करते मिथुन राशि जन्मचंद्र कल्याण कारक अटे आपण भगवान लक्ष्मीनारायण को पूजा अर्चना करने सहित गीतार द्वादश अध्याय पाठ करूँ देखिए आज दिन टे कल्याण कारक है आसन देखा कर्कट राशि। कर्कट राशि प्रथम आम देखा पुनर्वस कर्कट 7/4 पुनर्वस कर्कट जात व्यक्ति मानक मानसिक जंत्रणा आपण पाइबे आय ठारु व्ययर भार बहुत बढ़ीजिव विशेष भाव में मुंड भितर दुश्चिंता भर्ती हे पारिवारिक जीवन अशांति रहिबो एवं आपण जदि कोनो से कार्य भाबिछन्ते ताहा आपणक ठारु दूरै जिबा न हेबा एवं मन भितर जंत्रणा देबार यथेष्ट संभावना रहिछि निज लोक मानंकर निज लोक माने आपणक ठारु दूरै जिबार यथेष्ट संभावना रहिछि। पुष्या कर्कट जात व्यक्ति मानंकर कर्म क्षेत्र में टेंशन रहिबो मानसिक अशांति रहिबो दीर्घ दिन स्वप्न साकार हेबा नै विशेष भाव में आपणकर जब प्रमोशन अच्छे से ब्रेक लगि जाए शत्रु प्रबल हे मिथ्या षड्यंत्र रचना कर फसई पारे अजथा निंदा अपवाद लगि जाए से आप जत्नवान हे अश्ल कर्कट जात व्यक्ति मान आजिका दिन में जदि आप कौन से कार्य को बाहर से द्वंद उपजा बहुत अस्थिर मनोभाव रहा पाख पड़ोशी मान सहित सुसंपर्क न रहा अजथा केस बास फसी व्यवसाय आप हरासमेंट होगा जदि आप शेयर मार्केट रे पैसा कटे ताहले लॉस होबार यथेष्ट संभावना रही दीर्घ दिन पर आजिका दिन में शत्रु माने प्रबल हेबे आपण को षड्यंत्र रचना कर फसेबार यथेष्ट संभावना रही सतर्कता अवलम्बन करेंगे। कर्कट राशि द्वादश चंद्र अशुभत्व प्रदान कर भगवान लक्ष्मी नारायण को पूजा अर्चना करने सहित ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहे तन्म विष्णु प्रचोदयात उक्त मंत्र को जप करंतु देखिए आज दिन टे कल्याण कारक हे आसन देखा सिंह राशि। सिंह राशि प्रथम आम देखा मघा सिंह 10/5 मघा सिंह जात व्यक्ति मानक मनवांचित कार्य सिद्ध हे आप कौन जगह को जाते कौन से कार्य को जाते विजय लाभ करेंगे अकस्मात अर्थ प्राप्त होगा सांगसाथी मान सहित मिशी भल कम कर प्रशंसित होगा बंधु दर्शन होगा सहित आपणकर आशा परिपूर्ण आपणकर आशा अभिलाष परिपूर्ण होवार संभावना रही पूर्वा फाल्गुनी सिंह जात व्यक्ति मानक जानवाहन क्रय करते जमी बाड़ी क्रय करवा दीर्घ दिन मनवांछा परिपूर्णता लाभ करवा आपण कौन से अफर मिलवा सुवर्ण आदि द्रव्य क्रय करने सहित समस्त सहित उत्तम संपर्क रक्षा करते नूतन कर्म क्षेत्र निजुक्त होगा आपण कौन से अफर मिलवर संभावना रही उत्तरा फाल्गुनी सिंह जात व्यक्ति मानक राजनीति करते सोशल वर्क कर देखिए बहुत उन्नति करेंगे सम्मान वृद्धि हे पदवी प्राप्त हो पाए अर्थर अभाव रही समस्त द्वारा प्रशंसित हे लोक उपकार कार्य निजक व्यस्त रखे एवं धार्मिक कार्य लिप्त रखिपारे समय टी सुंदर भाव अतिवाहित हो पार एवं देखा सिंह राशि एकादश चंद्र कल्याण कारक अटे आप भगवान शंकर को क्षीर बेलपत्र लागी करने सहित ओम नम शिवाय उक्त मंत्र जप करूँ देखिए आज दिन टे कल्याण कारक है आसन देखा कन्या राशि। कन्या राशि प्रथम आम देखा उत्तरा फाल्गुनी कन्या 12/6 उत्तरा फाल्गुनी कन्या जात व्यक्ति मानकर मानसिक चिंताधारा परिवर्तन आसीबो दीर्घ दिन स्वप्न साकार हो ना अजथा तर्क वितर्क घटी पारे मन भितर दुश्चिंता आसी पारे शारीरिक असुस्थता देखा सहित पारिवारिक जीवन में सुख न रही पारे यह छड़ा आपंक सहित धोखाधारी घटी पारे। हस्ता कन्या जात व्यक्ति मानकर जब आप राजनीति करते सोशल वर्क करते कौन से नेतृत्व नहीं काम करते संगठनमूलक काम करते देखिए अजथा निंदा अपवाद रोक उपकार काम करे ब्लेम हो पारती अपमानित हो पारती अर्थर अभाव देखा दे पारे शत्रु प्रबल हो पारती या छड़ा आपण के हैरान करवा कौन से केस पास फसी जबार यथेष संभावना रही है से जत्नवान हे चित्राकन्या जात व्यक्ति मानक जदि आप कौन से बिजनेस करने को जाते अर्थर अभाव रानसिक चिंताधारा कौन से परिवर्तन आसी पार विशेष भाव में दुख दुर्दिन आसी पारे लोक मैंने आपन को साहय न करते जदि आपण पाखे किसी कम अच्छे ता दूरीभूत हो जाए क्या पैसा रही सरकार डिल करुक दूरीभूत होवार संभावना रही है जंत्रणा रानसिक कष्ट रानसिक चाप रही पारे एवं आम देखा कन्या राशि दशम चंद्र अशुभत्व प्रदान कर भगवती माँ दुर्गा पूजा अर्चना करने सहित ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बीच उक्त मंत्र जप करूँ देखिए आज दिन टे कल्याण कारक हे ए समय जाए दर्शक बंधु आज राशि
ଶେଷଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିରତିର। विरति पर स्वागत दर्शक बंधु आज राशिफल कार्यक्रम को। हाँ दर्शक बंधु मुझे वास्तु उपचार कहि जदि आप कृषि क्षेत्र में नूतन फसल लगे मन रखत सदा बेले फसल लगे बेले बुणला बेले दक्षिणा बर्त करूँ एवं अमल कला बेले बाम बर्त अमल करूँ देखिए आपण फसल अधिक उपार्जन हो अधिक रोजगारक्षम हो पारे अर्थर अभाव रहा आप शांति जीवन अतिवाहित करदे पारे। एबे आसंतु जानिबा अवशिष्ट राशि राशिफल केमिति कटिबो सेमानंकर आजर दिन। तुला राशि, तुला राशि रे प्रथम आमे देखा चित्रा तुला 14/7। चित्रा तुला जात व्यक्ति मानंकर मन भितरे द्वंद रहिबो नाही, मन भितरे कोनोसे ऑब्स्ट्रैक्ट आसीबो नाही, अर्थर अभाव रहिबो नाही, शारीरिक सुस्थता रहिबो। आजिका दिन रे आपण धार्मिक चिंताधारा युक्त हेबे, सत्परायण हेबे एवं परर उपकार करी बेस आनंदित हो पारे। यह छड़ा आपन को अफर मिल पारे, पदवी प्राप्त हो पारे एवं शुभ खबर आपको मिलबार संभावना रही। स्वाति तुला जात व्यक्ति मान आपन बिजनेस करुंत छोटकाटिया कुटीर शिल्प इत्यादि करुंत देखिए बहुत लाभवान हो पारे। समस्त कोऑपरेशन रर ठार बाहर पर्यंत एपरिक भाई बंधु कुटुंबर समस्त आपको साइपारे आपणकर व्यवसाय बहुत उपरक उठी पारे, अर्थर अभाव रही दानशील हे एवं परर उपकार करी बेस आनंदित हो पारे। दरकार पड़े आजिका दिन आप बाहर को संभावना रही। विशाखा तुला जात व्यक्ति मानकर आपण कौन से कार्य को बाहर से विजय लाभ करें, दीर्घ दिन स्वप्न आपणकर साकार हो पार। आपण पाठ पढ़ाक जाऊँगी उच्च शिक्षा लाभ करने को जाते पिला कि नूतन कर्म क्षेत्र निजुक्त होगा चाहते आजिका दिन से सक्सेस हो पारे। मानसिक चिंताधारा परिवर्तन आसीबो, साहाज्य सहयोग मनोभाव रहिबो, अर्थर अभाव रहिबो नाही एवं विशेष भाव में देवता प्रिय मध्य हो पारे, गुरुजन मानको भक्ति मध्य करि पारे। एबे आमे देखिबा तुला राशि नवम चंद्र कल्याण कारक अटे। आपण भगवान शंकरंक पाखरे खीर बेलपत्र लागी करिबा सहित ओम दिगंबराय नमः उक्त मंत्र जप करंतु। देखिबा आज दिन अटे कल्याण कारक हेबो। आसन देखा विशा राशि, विशा राशि रे प्रथम आमे देखा विशाखा विशा 16/8। विशाखा विशा जात व्यक्ति मानंकर मन भितर जंत्रणा आसीबो, शारीरिक असुस्थता रहिबो, केही आपणक सहित धोखाधारी करि पारे, कोनसे द्रव्य हजि जाई पारे बा चोरी हेबार मध्य संभावना रहिछे। जानवाहन चलौचंते सतर्कता सहित चलांतु कारण दुर्घटनाग्रस्त होबार जथेष्ट संभावना रही। अनुराधा बिछा जात व्यक्ति मानकर व्यवसाय क्षेत्र आपण व्यवसाय क्षेत्र आपण बहुत हरासमेंट हे, अर्थर अभाव करजग्रस्त हे, अर्थ को केन्द्र कर कलह लगे, छोटकाटिया दुर्घटना घटा, जंत्रांश खराब हो, विशेष भाव में शत्रु मान आपको षड्यंत्र रचना कर फसई देवा, निंदा अपवाद देवा कि केस भाषा फसैबार जथेष्ट संभावना रही। से आप जत्नवान है। ज्येष्ठा बिछा जात व्यक्ति मानकर आप राजनीति कर सोशल वर्क कर देखिए सतर्कता अवलंबन करेंगे, मानसिक जंत्रणा आपको मिल पार, अजथा निंदा अपवाद रही पार, लोक मैंने आपको ब्लेम कर दे पारती, छोटकाटिया दुर्घटनाग्रस्त हो पाए, अजथा खर्चांत होगा सहित कई आपन को ठकिबा बा आपन को निज लोक माने आपन को ठारु दूरै जिबा बा विश्वासघातकता करिवार संभावना रहिछे। एबे आमे देखिबा बिछा राशिर अष्टम चंद्र अशुभत्व प्रदान करिवो, एथि सहित बिछा राशिर घातबार होइतबारु विशेष भाबरे खराब फल प्रदान करि पारिबो। एथि पई आपन भगवान हनुमान जी महाराज को पूजा अर्चना करिवा सहित बजरंग बाण पाठ करंतु। देखिबा आजर दिनटे कल्याण कारक हेबो। आसन देखिबा धनुराशि, धनुराशिर प्रथम आमे देखिबा मूलाधनु 19/9। मूलाधन जात व्यक्ति मानकर ऐश्वर्यवान हेबे, दीर्घ दिन स्वप्न साकार हेबो, जानवाहन क्रय करते, जमी बाड़ी क्रय करिबा, सुवर्णादि द्रव्य क्रय करिबा, बंधु दर्शन हेबा, पारिवारिक जीवन सुखमय हेबा सहित आपण कोनो ऑब्स्ट्रैकल अछि सेउडीक दुरीभूत मध्य हेइ पारिबो। पूर्वाषाढ़ धनु जात व्यक्ति मानकर आपण जानवाहन क्रय करिबा, जमी बाड़ी क्रय करिबा, जदि किछि लिटिगेशन रहिछे, केस वास रहिछे, माली मकदमा रहिछे सेतरे विजय लाभ करि पारिबे, पारिवारिक जीवन सुखमय हेबो, कौन से ऑब्स्ट्रैकल रहा ना, पाख भाई बंधु कुटुंब मान सहित सुसंपर्क रक्षा करते, विशेष भाव आप अफर मिल नूतन कर्म क्षेत्र निजुक्त होवार सुजोग मिल पार। उत्तराशाढ़ धनु जात व्यक्ति मानकर आपड़ जी बिजनेस करुंत अर्थर अभाव रहा कौन से कार्य को जाते विजय लाभ करेंगे, डिल कर सरकार सहित अर्थ किसी पड़ रही है सेगुड़ी प्राप्त हो पार, बंधु दर्शन होगा सहित आपण नूतन बिजनेस आरंभ करुंते लाभवान हो पारे, बंधु बांधव सांगसाथी मान सहित सुसंपर्क रक्षा करें, दरकार पड़े आपण परोपकार करी जनहितकर काम करी
ବା ସାହାଯ୍ୟ କରି ବେଶ ପ୍ରଶଂସା ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଧନୁରାଶିର ସପ୍ତମ ଚନ୍ଦ୍ର କଲ୍ୟାଣକାରକ ଅଟେ, ମାତ୍ର ଧନୁରାଶିର ଘାତବାର ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଖରାପ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭଗବାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହିତ ଓମ୍ ପଦ୍ମନାଭାୟ ନମଃ ଉକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବା ଆଜିର ଦିନଟି କଲ୍ୟାଣକାରକ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶିରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଉତ୍ତରାଶାଢ଼ ମକର 21/10। ଉତ୍ତରାଶାଢ଼ ମକର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଋଣ ରୋଗ ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ, ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବ, ଦୀର୍ଘ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପେଣ୍ଡିଂ ରହିବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିଳମ୍ବ କାରଣରୁ ଆପଣ ଅଯଥା ଟେନସନ୍ ନେବା, ଅଯଥା କ୍ରୋଧ କରିବା, ଅଯଥା ରାଗିବା ଯୋଗୁଁ ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିତ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଶ୍ରବଣା ମକର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ ଛୋଟକାଟିଆ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କମ୍ପାନୀ କରିଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ସେଥିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ଖଟାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଲାଭବାନ ହେବ ନାହିଁ। ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆପଣ ପାଇବେ, କେହି ଆପଣଙ୍କୁ କୋପରେଟିଭ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣ ଅଧିକ କରଜଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ସହିତ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଦିନଟି ଅତିବାହିତ କରିଦେଇପାରନ୍ତି। ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଧନିଷ୍ଠା ମକର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆପଣ ଯଦି ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହୋଇପାରିବେ, ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମିଳିପାରିବ, ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇପାରନ୍ତି, ଶତ୍ରୁମାନେ ହଇରାଣ କରିଦେଇପାରନ୍ତି, ଛୋଟକାଟିଆ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ, ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଦେଖାଯିବା ସହିତ ପିଲାମାନେ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ମକର ରାଶିର ଷଷ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହିତ ଓମ୍ ଆଶୁତୋଷାୟ ନମଃ ଉକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବା ଆଜିର ଦିନଟି କଲ୍ୟାଣକାରକ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଧନିଷ୍ଠା କୁମ୍ଭ 23/11। ଧନିଷ୍ଠା କୁମ୍ଭ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି, ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇପାରିବେ, ନୂତନ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇପାରିବେ, ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହୋଇପାରିବ, ବନ୍ଧୁ ଦର୍ଶନ ହେବା ସହିତ ଯଦି ବାହାରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବି ଭଲ କରିପାରିବେ, ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇତ୍ୟାଦି କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବେ, ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତି, ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ରହିପାରିବ। ସତମିଶା କୁମ୍ଭ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିବା, ଜମିବାଡ଼ି କ୍ରୟ କରିବା, ନୂତନ ଗୃହ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଯଦି କିଛି ଲିଟିଗେସନ୍ ରହିଛି, କୌଣସି କେସ୍ ବାସ ରହିଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା ଏବଂ ମନମାଂଛା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପଦବୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରବ କୁମ୍ଭ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆପଣ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ସୋସିଆଲ୍ ୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବେ, ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଅଫର୍ ମିଳିପାରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଜନହିତକର କାମ କରି ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହୋଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇପାରିବ ବା ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିର ପଞ୍ଚମ ଚନ୍ଦ୍ର କଲ୍ୟାଣକାରକ। ଆପଣ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହିତ ନମଃ ଶିବାୟ ଉକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବା ଆଜିର ଦିନଟି କଲ୍ୟାଣକାରକ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶିରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ର ମୀନ 25/12। ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ର ମୀନ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଯାନବାହନ ଚାଲିଛି, ହୋଟେଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି ଚାଲିଛି, ଦେଖିବେ ଅଯଥା ଲସ୍ ହୋଇଯିବ, ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ରହିବ, ଛୋଟକାଟିଆ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବ, କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଠକି ଦେଇପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଲୁଟି ନେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ମିଛ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚନା କରି ଆପଣଙ୍କୁ ବଦନାମ ଦେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ସେଥିପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବେ। ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ର ମୀନ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ଘର କିଣିଛନ୍ତି ବା ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଜମିବାଡ଼ି କ୍ରୟ କରିଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ଲିଟିଗେସନ୍ ରହିବ, କେସ୍ ବାସ ରହିପାରିବ, ମାନ ମତାନ୍ତ ରହିବ, କେସ୍ ବାସରେ ଆପଣ ଫସି ଯାଇପାରନ୍ତି, ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବା, ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ରହିବା ସହିତ ପିତୃଜନ ବା ଗୁରୁଜନ ବର୍ଗର ଅସନ୍ତୋଷ ହେବା ବା ଅଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଠକି ଦେଇପାରେ ବା ଅର୍ଥ ଲୁଟ୍ କରି ନେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରେବତୀ ମୀନ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବିଳମ୍ବ ଘଟିବ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଜିବ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଫସି ଯାଇପାରନ୍ତି, ଅଯଥା ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ରହିବା ସହିତ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରି ହୋଇପାରେ, ହଜିଯାଇପାରେ ବା ଦୁର୍ନାମର ଶିକାର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନିଜ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଧୋକାଧାରୀ କରିବା ବା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲେମ୍ କରିଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ମୀନ ରାଶିର ଚତୁର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭଗବାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହିତ ନାରାୟଣ କବଚ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବା ଆଜିର ଦିନଟି କଲ୍ୟାଣକାରକ ହେବ। ଏ ଥିଲା ଆଜି ଦିନରେ 12 ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯଦି ଆମ ଜନ୍ମ ଜାତକରେ ବା ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗୋଟେ ଯୋଗ ରହିଛି ତାହା ହେଉଛି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଯୋଗ।
केतेबेले सृष्टि हुए शास्त्रकार माने कहते शुक्र बृहस्पति और बुद्ध अष्टम स्थान रे बा स्थिर राशि रे थेले ए योग सृष्टि हुए ए योग सृष्टि हेले योगजात व्यक्ति माने बहुत कष्ट करि थांते एवं कठिन चित्तयुक्त हुए समस्त कार्य बाधा विघ्न आसी थाए एथिपाई उपरोक्त ग्रह मान उपचार करंतु भगवान शंकरों पाखे शरणापन्न हुंतु आपणकर दिन टे कल्याण हे एवं समय जाए दर्शक बंधु आज राशिफल कार्यक्रम को यहीठार विराम दौचु पुणि थे देखा आसंता काली समय राशिफल कार्यक्रम जय जगन्नाथ।